दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ, देखिए ये जो है जुग्गी मशीन, इस मशीन के अंदर कैम आउट हो गया है। तो इसके कैम को हम सेट कैसे करते हैं, मशीन को हमें ऐसे रखना है और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन 8ों पेचों को जो है हमें खोल लेना। तो मैं ले लेता हूँ पेचकस, फटाफट से जो है पेचकस लेके पेचों को खोल रहा हूँ। जब तक मैं इन पेचों को खोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए इस तरीके से जो है मैंने पेज को खोल दिया है और इसके जो है कवर को हमें किस तरीके से खोलना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए इसके नीचे जो है क्या है कि मैं आपको बता दूं, देखिए इसके नीचे जो है ऑयल सील है। ऑयल सील को हमें बड़े आसानी से और आराम से खोलना है। तो देखिए ये पेचकस लेके चारों तरफ हमें इस तरीके से करना है और करने के बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से जो है आप उठाएँगे तो ये आसानी से उठ जाएगा। और इसको इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद देखिए ये है इसके अंदर कैम, और ये देखिए कैम जो है हमारा लूज पड़ा हुआ है। देखिए कैम घूम रहा है और ये देखिए मशीन जो है हमारी रुकी हुई है। तो कैम जो है घूम रहा है, इसको जो है मैं सेट करके आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है सेट करने से पहले मैं बगैर टाइमिंग के जो है आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ एक पेचकस और पेचकस लेके बगैर टाइमिंग के सेट करके आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से सेट हुआ। तो देखिए इसको जो है मैं सीधी तरीके से रख के और फिर मैं इसको कागज़ पर चला के दिखाता हूँ कि ये सेट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं फटाफट से जो है इसको चला लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेट हुआ या नहीं हुआ या किस तरीके से ये चल रहा है। तो जैसा कि देखा आपने कि देखिए ये जो है इसको जो है कागज़ को पूरी तरीके से इसने फाड़ दिया है और इसने देखिए दो टुकड़ों में जो है इसको फाड़ दिया है। और फाड़ने के बाद जो है मैं इसको रख देता हूँ और इसको राइट वाला सेट जो है कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसा कि आपने देखा अभी ये टाइट है, तो सबसे पहले जो है मैं इसको खोल लेता हूँ और खोलने के बाद लूज करके और पूरी सेटिंग इसकी समझाता हूँ कि इसको सेट कैसे करते हैं। तो देखिए इसको जो है सबसे पहले देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं नीचे कर देते हैं। देखिए आपको ना तो यहाँ सेट करना है और ना तो जो है इसको ऊपर सेट करना है। आपको जो है क्या करना है, सबसे लास्ट में देखिए ये जो है नीचे ले जाने के बाद यहाँ छोड़ देना है और उसके बाद देखिए उसके बाद जो है आपको क्या करना है, कैम सेट करना है। तो हमें जो है इसको इधर उधर नहीं करना है और हमें जो है क्या करना है, पहले जो है सबसे पहले व्हील पकड़ लेना है। और व्हील पकड़ने के बाद अब आइए मैं आपको कैम की सेटिंग सिखाता हूँ कि किस तरीके से कैम की सेटिंग करते हैं। देखिए एक पेज तो ये है और इस पेज को जो है हमें इधर को रख देना है और देखिए ये दूसरा पेज है। तो इस पेज से जो है हमारी कैम की टाइमिंग बानी जाएगी और कैम की टाइमिंग किस तरीके से बानी जाएगी वो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसके सीध में जो है ये है और इसे जो है हमें नीचे की तरफ डाउन करना है। चाहे तो आप दोबारा से और ज़्यादा डाउन कर देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं आएगी, मगर अप नहीं हमें करना है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। उसके बाद अंगूठे से टच करके पेचकस से हमें हल्के से टाइट कर देना है। देखिए हमारी मशीन भी फ्री है और ये हमारा कैम भी सेट हो गया है। उसके बाद मशीन को हमें सीधी तरीके से रखना है और रखने के बाद देखिए मैं कागज़ दोबारा से ले रहा हूँ और इस पर जो है मैंने पहले भी चला रखा है और दोबारा से चला के दिखा रहा हूँ और अब देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है। तो देखिए ये जो है अब पहले जो चल रहा था वो देखिए कपड़ा जो है फाड़ रहा था, मतलब कागज़ फाड़ रहा था, और अब जो चल रहा है वो देखिए इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो है हमारा सेट हो गया है। तो उसके बाद हमें मशीन को इस तरीके से रख लेना है और हमें ले लेना है एक पेचकस, जिससे जो है मैं कैम को पेज को फटाफट टाइट कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो है मैंने टाइट कर लिया है, आपको भी इस तरीके से टाइट करना है। उसके बाद जो है हमें इसके बैक कवर को सेट करना है। तो फटाफट से मैं इसको टाइट कर ले रहा हूँ और जो भाई मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसमें जो है ख़ास बात क्या होती है इसकी कसने की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए मैंने हल्के हाथों से इसको कस लिया है, उसके बाद जो है पेचकस से थोड़ा थोड़ा और कस लेता हूँ। फुल टाइट नहीं करना है आपको, जिस तरीके से मैं टाइट कर रहा हूँ इस तरीके से आपको भी टाइट करना है। और उसके बाद देखिए ये पेज टाइट हो गए। उसके बाद देखिए एक यहाँ कसना है और दूसरा इधर, फिर जो है इधर कसना है और फिर इधर कसना है। अपोजिट साइड कसने में ये होता है कि जो इसकी लीकेज वाली बात होती है वो लीकेज वाली बात जो है हमारी दूर हो जाती है। तो इसको देखिए मैंने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद मशीन को मैं सीधी तरीके से रख लेता हूँ और कभी भी आपको केएम की सेटिंग वाली प्रॉब्लम हो तो इसी तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं।